क्या आप लोग भी अपनी गाड़ी में एक्सरे शीट लगवाना चाह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है? ये देखिए, मैंने भी अपनी गाड़ी में एक्सरे शीट लगाई है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आ गया हूँ आपके लिए, जो लोग अपने शीशों पे ग्रीन टिंट करवाना चाहते हैं। हालांकि आपको पता होगा कुछ ही कंपनी ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट टॉप वेरिएंट में उनके ग्रीन टिंट आते हैं, जैसे कि बलिनो के टॉप मॉडल में ग्रीन टिंट आता है कंपनी की तरफ से। तो आज के टाइम में आपको पता है एक्सरे शीट चल रही है, जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, आपने देखा होगा। मैं उसी पे लेके आया हूँ। ये देखिए, मैंने भी ये वीडियो जो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। मैंने भी अपनी गाड़ी पे ग्रीन टिंट करवाया था ये, ठीक है। अब आपको इसके बारे में दोनों चीजें बताऊंगा, कमियां और खूबियां, हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। मैंने ये 30% विजिबिलिटी के साथ ग्रीन टिंट करवाया है। खासियत यह है, गाड़ी की लुक्स बदल जाती हैं, गाड़ी आपकी धूप में गर्म नहीं होती, ठंडी रहती है और बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील आती है। तकरीबन 500-600 रुपए में हर एक बंदा ग्रीन टिंट कर देता है आज के टाइम में, और ना ही चलान है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसके प्रो एंड कॉन्स है। सबसे पहले आप देखिए गाड़ी की विजिबिलिटी, देखिए 30% जो कंपनी की तरफ से आती है ये वही चीज के साथ है, आप देख सकते हैं। सेकंड थिंग, गाड़ी की लुक्स देखिए बिल्कुल बदल जाती है इससे। थर्ड वन आप देखिए, सबसे चीप एंड बेस्ट चीज अगर मैं कहूँ 600-700 रुपए में लग जाती है अगर बात करें, ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये लगेगी कैसे, शायद किसी ने दिखाया नहीं होगा ये। अब ये देखो यार, ये मेरी गाड़ी की एक्सरे शीट लगा रहा है लड़का। ये देखो जहाँ से मैंने इंस्टॉल करवाई है, बहुत इजी है लगानी, बस आपने बीच में फिक्स कर देनी है। और ये देखिए शीशा ऊपर चढ़ जाएगा, साथ में टेप लगा देंगे, फिर ये नीचे आ जाएगा। ये जैसे लगा हुआ है ग्रीन टिंट है, ये पूरी एक्सरे शीट होती है। ये देखिए लगने के बाद यहाँ पे टेपिंग हो जाती है इधर, ताकि ये हिल ना पाए। ये देखिए पूरी टेपिंग हुई पड़ी है, उसके बाद ऊपर चढ़ जाएगी ऐसे की ऐसे, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये लगाना और उतारना भी, बट ये थोड़ी केयर मांगती है यार। किसी ने यूज एंड थ्रो का काम करना वो भी हो सकता है। लोग जेट ब्लैक करवाते हैं, मैंने जेट ब्लैक नहीं कराया क्योंकि मैं चाह रहा था जो टॉप मॉडल में आती है ग्रीन टिंट ग्लास, मैं वैसे ही करना चाह रहा था और बिल्कुल वैसे ही हुई है 30% विजिबिलिटी के साथ, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ ड्रॉबैक भी है, इसका ड्रॉबैक बताना भी जरूरी है क्योंकि वो भी आप अवेयर होने चाहिए। आप ये देखिए, सपोज करो आप गाड़ी की वॉशिंग भी करवाते हैं, आप ये देखिए ये ना ग्लास के साथ अटैच नहीं होती, ये थोड़ा सा गैप रह जाता है। आप ये देखिए जैसी वॉशिंग होगी ये बबल बन जाते हैं, आपको फिर उतारनी पड़ेगी, फिर लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा इसमें ये केयर करनी पड़ेगी। एक्सरे शीट है, अब आपको दिखा दूं, अब ये मैंने चिपकाई नहीं हुई विंडो के साथ। ये देखिए मेरा ग्लास नीचे हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि इस पर टेप नहीं की हुई। ये देखिए, देख रहे हैं, ये जस्ट एक एक्सरे शीट है, ये केयर मांगती है। हाँ ये है, इजी टू रिमूव है, ये देखिए अगर आप रिमूव करना चाहें, ये देखिए प्रॉपर शीट होती है ये। ये देखिए, अब इसके बाद ये देखिए 30% पे देखिए विजिबिलिटी, और उसके बाद देखिए दोनों शीशों में फर्क देखिए कितना है। ये देखिए एक बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पर ग्रीन टिंट हुआ पड़ा है। ये सिर्फ मैं वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मार्केट में आपको कहेंगे चलान है इसका, या कुछ लोग कह रहे थे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। गवर्नमेंट अगर अपनी आईपीए चलान भी करेगी क्योंकि ये अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। हाँ सस्ता सुंदर टिकाऊ सौदा है यार, 600-700 रुपए में लग जाती है। प्रॉपर एक्सरे शीट है, उसके ऊपर ये लगाते हैं फिल्म, व्हाइट कलर का आता है ये, उसके ऊपर आप जेट ब्लैक करवाना चाहें जेट ब्लैक, मैंने 30% के साथ लगवाया था, मैं उसके लिए लाया हूँ। अब सेकंड थिंग एक और इसमें चीज है, रात को अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा रहेगा आपको विजिबिलिटी में, थोड़ी बैक विजिबिलिटी ओआरवीएम में होती है, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करती है, फ्लैश मतलब आपको पीछे से थोड़ा सा स्ट्रेन रहेगा, बट सिर्फ ये है गाड़ी की लुक्स बदल जाती है, गाड़ी आपकी कूल रहती है। अभी तो विंटर सीजन है, अगर गर्मियां आती हैं जैसे समर आते हैं तो गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है डार्क होने के कारण, बस ये चीज है। आई होप, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर से आपको दिखा दूं, ये होती है टेपिंग के साथ, देख ले ये टेपिंग है, ये टेपिंग के साथ होती है, ये देखिए ये टेप के साथ करते हैं ताकि फिक्स रहे ये, ताकि नीचे ना जाए, और इसमें गैप होता है, ये देखिए गैप होने के कारण ये साथ नहीं चिपकती। और अगर आप गाड़ी वॉश करवाते हैं या करते हैं तो थोड़े बबल रह जाते हैं, फिर आपको दोबारा लगा के निकालना पड़ता है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हो सके तो शेयर भी कर दें। आपके लिए आगे ऐसे ऐसे और कंटेंट लेके आता रहूँगा।